आज हम आपको लेकर जाने वाले हैं एक भारतीय ब्रांड के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में। वो भारतीय स्मार्ट वॉच ब्रांड जो विश्व के टॉप 5 में चौथे नंबर पर है। तो प्रतीक्षा क्यों, स्टार्ट। दोस्तों, एक खूबसूरत स्मार्ट वॉच आपकी कलाई पर देखकर आपका दोस्त क्या बोलता है? बेकार है। क्यों बोलता है? भाई जलन चीज ही ऐसी है। तो ये खूबसूरत स्मार्ट वॉच बनती कैसे है, वही देखने के लिए आए हैं हम नॉइस की फैक्ट्री में। फैक्ट्री टूर है, थोड़ा सा शोर होगा, तो थोड़ा प्लीज दोस्तों बेयर कर लेना है और मेरे साथ साथ रहना। आओ, तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं यहां भारतीय ब्रांड नॉइस के वेयर हाउस में, जहां सबसे पहले स्मार्ट वॉच और TWS के सारे कंपोनेंट्स पहुंचते हैं। इन्हें वेयर हाउस में स्टोर कर लिया जाता है और मैं आपको बता दूं कि बैटरी और डिवाइसेस के दूसरे कंपोनेंट्स को अलग अलग स्टोर किया जाता है, क्योंकि दोनों को स्टोर करने के लिए अलग अलग तापमान, आर्द्रता और सावधानियों की जरूरत होती है। लेकिन यहाँ वेयर हाउस में आने से पहले इन सभी कंपोनेंट्स की गुणवत्ता और मात्रा यानी क्वांटिटी चेक की जाती है। इसके पैकेजिंग मटेरियल से लेकर इसके डिस्प्ले पैनल, स्ट्रैप, बैटरी और अन्य सभी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को चेक किया जाता है। जैसे यहाँ चेक किया जा रहा है कि डिस्प्ले पर कोई निशान या स्क्रैच तो नहीं है। बैटरी को चेक किया जाता है कि यह ठीक से काम कर रही है या नहीं। बैटरी का साइज ठीक है, कैपेसिटी सही है। यदि सब कुछ ठीक है तभी इन्हें ओके किया जाता है और फिर इन्हें यहां से वेयर हाउस में भेज दिया जाता है। वेयर हाउस से सारे कंपोनेंट्स को भेजा जाता है प्रोडक्शन लाइन में, जहां पर स्मार्ट वॉच को असेंबल करने का काम शुरू हो जाता है। और यहाँ अलग अलग लाइन्स में प्रोडक्ट्स के अलग अलग मॉडल्स असेंबल होते हैं। One model pulse of noise is running over here and Pro 4 is running over here. यहाँ भारतीय ब्रांड नॉइस के इस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के एक रिप्रेजेंटेटिव ने हमें स्मार्ट वॉच के बनने की पूरी प्रक्रिया समझाई। यहाँ शुरुआत होती है एक स्मार्ट वॉच के खोल से, जिसमें वायर्स भी साथ जुड़ी होती हैं। इसे अच्छे से चेक करके आगे भेज दिया जाता है। इसके बाद इसमें एंटीना लगा दिया जाता है। इसके बाद बारी आती है PCB की। PCB के साथ पहले वायर्स जोड़ी जाती हैं और फिर इन वायर्स के साथ स्पीकर और बैटरी को सोल्डरिंग करके जोड़ दिया जाता है। फिर PCB को स्मार्ट वॉच के खोल में फिट करके इन्हें स्क्रू से कस दिया जाता है। इसके बाद इसमें बैटरी को फिक्स किया जाता है। फिर लगता है इसमें हार्ट रेट सेंसर और इसके साथ इसका डिस्प्ले जोड़ दिया जाता है और इसे ऑन करके देखा जाता है कि ये ऑन हो रही है या नहीं। अब यहाँ आपको लग रहा होगा कि स्मार्ट वॉच तैयार है, लेकिन नहीं, अभी तो बहुत सारा काम बाकी है। सबसे पहले तो इसका चार्जिंग टेस्ट किया जाता है, फिर चेक किया जाता है इसका ऑडियो, इसके बाद इसके सेंसर चेक किए जाते हैं, फिर वाइब्रेटर टेस्टिंग, कॉल टेस्टिंग, MMI टेस्टिंग भी की जाती है और फिर होता है इसका लाइट लीकेज टेस्ट, जिसमें ये टेस्ट किया जाता है कि इसमें कहीं से लाइट लीक तो नहीं हो रही। इसके बाद इसका डिस्प्ले फिर से इसके शेल से हटा दिया जाता है और रोबोटिक मशीन्स के जरिए इस पर ग्लू लगाया जाता है और ग्लू लगाने के बाद इसे 3 घंटे के लिए क्लिप किया जाता है, जिससे स्मार्ट वॉच मजबूती से जुड़ जाए। और फिर इसके बाद किया जाता है वाटरप्रूफिंग टेस्ट, जिसमें पास होने के बाद ही स्मार्ट वॉच को आगे भेजा जाता है। यहाँ इसके सभी फीचर्स, फंक्शंस, सेंसर्स, ऑडियो जैसे सारे टेस्ट दोबारा किए जाते हैं जो पहले किए थे। फिर इस स्मार्ट वॉच को फोन के साथ कनेक्ट करके देखा जाता है। ठीक इसी प्रकार से बनते हैं भारतीय ब्रांड नॉइस के TWS, जो पूरे भारत में दूसरे नंबर पर आते हैं, जिनकी निर्माण प्रक्रिया आपको कभी दूसरे वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। इधर स्मार्ट वॉच बनकर तैयार है, लेकिन अभी भी इस स्मार्ट वॉच को आपके पास आने से पहले कुछ और टेस्ट पास करने बाकी होते हैं। पैक होने के बाद ये प्रोडक्ट्स आउटगोइंग क्वालिटी कंट्रोल लैब में जाते हैं, जहां इनके बैचेस में से फिर से सैंपल लेकर टेस्ट किए जाते हैं। अब ये भारतीय ब्रांड ऐसे ही एशिया का तीसरा सबसे बड़ा स्मार्ट वॉच ब्रांड थोड़ी है। इन प्रोडक्ट्स में से जो स्मार्ट वॉच या TWS कुछ भी हो सकता है, अलग अलग डिपार्टमेंट हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए, तो उसकी क्वालिटी चेक करने के लिए पहले इनमें से रैंडमली कुछ प्रोडक्ट्स उठाए जाते हैं और वो प्रोडक्ट्स उठाने के बाद फिर उनमें से बैच में से कुछ प्रोडक्ट उठा के और उनको इंस्पेक्शन के लिए ले जाते हैं और वहाँ पर चेक किया जाता है।
ये स्मार्ट वॉच इंस्पेक्शन एरिया है, यहाँ पर इंस्पेक्ट कर रहे हैं स्मार्ट वॉच को, उसका चार्जिंग और पेयर करके देखते हैं ठीक से पेयर हो रही है या नहीं। इनके कुछ पैरामीटर्स हैं, उन पैरामीटर्स पे ये लोग चेक करते हैं। केवल इतना ही नहीं, आपको दिखाने के लिए यहाँ एक और चीज़ है, एक लैब जो आपको ज़रूर देखनी चाहिए, एक लैब जहाँ पता चलता है कि आखिर क्यों ये भारतीय ब्रांड विश्व स्तरीय गुणवत्ता रखता है। ये है रिलायबिलिटी लैब, जहाँ पर पूरे टेस्ट किए जाते हैं कि ये स्मार्ट वॉच कितनी रिलायबल है, डस्ट, सॉल्ट वाटर, ये वाटरप्रूफ है या नहीं, ह्यूमिडिटी इसके ऊपर कितना असर करती है, कितनी ऊपर से कितनी बार गिरेगी तो नहीं टूटेगी, इस तरीके से माइक्रो ड्रॉप टेस्ट, बड़े ड्रॉप टेस्ट और इस तरीके से अलग अलग बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं, वो सारे टेस्ट हम आपको यहाँ पर दिखाने वाले हैं। दोस्तों ये है स्मार्ट वॉच जिसे हम इसमें डाल रहे हैं और ये बार बार गिरेगी और फिर हम देखते हैं कि ये बचेगी या नहीं, तो इसको हम बंद कर देते हैं, आप इसे ऑन कर दीजिए प्लीज़। अभी कितनी बार घूमेगी, 500 साइकिल्स, ठीक है, और उसके बाद देखेंगे कि ये स्मार्ट वॉच ओके होती है या नहीं। चलो ये जो वॉच है इस टाइम यहाँ पर टेस्ट हो रही है कि समुद्री एरिया जहाँ पर कोस्टल एरियाज हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो जाती है, समुद्री एरिया में नमक बहुत ज़्यादा होता है, तो नमक वाले पानी में यहाँ पर उसको टेस्ट किया जा रहा है और उसके बाद टेस्ट करने के बाद ये देखा जाता है कि ये स्मार्ट वॉच कितनी ज़्यादा रेजिस्ट करती है। इसके अंदर स्मार्ट वॉच, ये जो स्मार्ट वॉच है इस टाइम अंदर है और यहाँ पर टेस्ट किया जा रहा है कि डस्ट रेजिस्टेंट है या नहीं। तो स्मार्ट वॉच को इसके अंदर डाल दिया गया है और इसके ऊपर इस मशीन में इसके ऊपर डस्ट फेंकी जाती है, उसके बाद ये स्मार्ट वॉच को 10 आवर्स यानी 10 घंटे तक ये घड़ी इसके अंदर रहती है, रेत के अंदर, मिट्टी के अंदर, डस्ट के अंदर, और उसके बाद इसे चेक किया जाता है कि ये चल रही है या नहीं चल रही है। इतनी जटिल प्रक्रिया जो मैंने आपको सरल तरीके से बताई, उस प्रक्रिया के बाद बनती है भारतीय ब्रांड नॉइस की स्मार्ट वॉच, जो भारत में नंबर एक है, एशिया में तीसरे नंबर पर है और अब विश्व में भी तीसरे नंबर पर है। दोस्तों ये था इंडिया का नंबर वन स्मार्ट वॉच ब्रांड नॉइस का फैक्ट्री टूर। तो आपने जहाँ देखा कि ये स्मार्ट वॉच आखिर बनती कैसे है, टेस्ट कैसे होती है, और आप हमें नीचे कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।